नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विधायकों की घेराबंदी शुरू हो गई है। कहीं पर उन्हें जनता घेर रही है तो कहीं पर उनके पार्टी के ही कार्यकर्ता उनके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। नया मामला सामने आया है, पटना के दानापुर विधानसभा सीट के विधायक आशा सिन्हा के खिलाफ में, जब बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं उनके खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना के सगुना मोड़ की, जहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी का झंडा लेकर के आशा सिन्हा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो 3 बार से जीत करके तो आती हैं, लेकिन दानापुर के विकास के लिए कोई काम उनकी तरफ से नहीं किया जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से आशा सिन्हा के खिलाफ में लगातार जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं पार्टी का झंडा लेकर के उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, और साफ ये भी कह रहे हैं कि इस बार दानापुर को आशा सिन्हा नहीं चाहिए, यानी कि वहां पर कैंडिडेट बदला जाए। पहले आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें कि किस तरीके से आशा सिन्हा के खिलाफ में नारेबाजी चल रही है। तो सगुना मोड़ के पास में आशा सिन्हा के खिलाफ में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका गुस्सा साथ में आसमान पर है। लगातार नारेबाजी चल रही है, बड़ी संख्या में लोग जमा हुए पटना के सगुना मोड़ के आसपास के इलाके में, और वहां पर उनके खिलाफ में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इन तमाम लोगों की मांग है कि आशा सिन्हा को इस बार रिप्लेस किया जाए, नहीं तो बीजेपी ये सीट हार जाएगी। आपको बता दें कि जिन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है उसमें से दानापुर के पूर्व मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद चौरसिया, दानापुर भाजपा के कार्यकर्ता उदय सिंह, गजेंद्र सिंह के साथ साथ कई छात्र नेता जो हैं वो शामिल थे। इन तमाम लोगों का कहना है कि आशा सिन्हा ने दानापुर की जनता के साथ पिछले 15 साल में जो कई मुद्दे हैं विकास से जुड़े हुए उनमें धोखा दिया है, लिहाजा इस बार बीजेपी आलाकमान से उनकी मांग है कि इन तमाम लोगों की जो मांग है वो ये है कि आशा सिन्हा को दानापुर सीट से इस बार टिकट नहीं मिले और किसी नए उम्मीदवार को मौका दिया जाना चाहिए। क्या कुछ कहना है इन तमाम लोगों का, छोड़ जाते हैं आपको उनके बयान के साथ। माननीय आशा सिन्हा को इस लॉकडाउन के महामारी में, जो 5 महीने का महामारी है, हम लोग पूरे दानापुर के 4400 वार्ड, भगोल का 2700 वार्ड, गरा क्षेत्र, छावनी क्षेत्र, ये हम लोग चाहे चाहे थे। माननीय विधायिका जी अपने फंड से अगर 50 लाख रुपया दिए हैं कोरोना काल में, तो हमें लोकतंत्र ने अधिकार दिया है कि आपने कहाँ खर्च किया है। पूरा कोरोना काल में किसी का भी कोई बीमारी हुआ है तो हाईटेक में अगर कोई भर्ती था उनके पास कोई जाता था तो बोलते थे 4 दिन बाद आइएगा, किसी का परिवार अगर इमरजेंसी में तो 4 दिन बाद आएगा। वे रहते हैं पटना में, कहते हैं मैं दिल्ली में हूँ। अगर माननीय विधायिका जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, अगर आप विधायक होते हुए दानापुर जनता की सेवा नहीं कर सकते हैं तो आप विधायक के लायक नहीं है। दानापुर में अगर विकास चाहिए तो आप ठीक है, आप महिला है, नेत्री है, किसी भी हॉस्पिटल का महिला है, ठीक है, महिला तो हमारे यहाँ नमिता सिंह भी है, महिला प्रदेश अध्यक्ष हो चुकी है भाजपा से, तो एक बहुत बड़ी समाजसेवी है, उनको भी एक मौका दिया जाए। दानापुर में बहुत से समाजसेवी है, जमीनी का करता है भाजपा से, बहुत तो जमीनी का करता है, एक मौका दिया जाए। बार बार अनुकंपा पर टिकट का प्रावधान आपको ही क्यों? आशा सिन्हा को चेंज किया जाए क्योंकि अभी 5 साल से ये तो लगातार जीत ही रही है, लेकिन 5 साल का हिसाब देखिए ना तो हमारा नाला सही है। आप ले लीजिए आर के पुरम, या बगल में ही देख लीजिए, कोई भी ऐसा काम नहीं कर रही है। और वो आती कब? जब इलेक्शन के समय आएंगे और हाथ जोड़ लेंगे। यहाँ तो सब जनता जानता है कि बीजेपी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, आशा सिन्हा को नहीं सपोर्ट कर रहे, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो जीतते जा रही है। लेकिन अब जनता नहीं बख्शेगी, या तो कैंडिडेट चेंज करें या फिर हम लोग विरोध में जाएं।